वो लोग जो कि 60% से ज्यादा कैबिनेट जमानत पे है, करप्शन पे, और वो जो कि हर रोज कैबिनेट बढ़ती जा रही है, एक तरफ इनके ऊपर खजाना खर्चा जा रहा है, पंजाब के को 170 अरब देने हैं, उधर पख्तूनख्वा, अब पख्तूनख्वा की हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं दहशतगर्दी का, पैसे तो दिए नहीं उनको। हमने क्यों ज्यादा पुराना कबायली इलाके के लिए हमने क्यों सबसे ज्यादा पैसे दिए थे पुराने कबायली इलाके को, मर्ज डिस्ट्रिक्ट को? क्योंकि हमें तब भी पता था कि अगर हमने वहां डेवलपमेंट ना की और वहां मदद ना की, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वॉर ऑन टेरर में इलाका मुतासर हुआ था, वह फिर से मसले शुरू हो जाएंगे। इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, पख्तूनख्वा हुकूमत को पैसे नहीं दिए, उनके तनख्वाहों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान वाले वो कह रहे हैं उनको पैसे नहीं दिए, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट कह रही है वो पैसे नहीं दिए, पंजाब जिस तरह मैंने कहा वो कह रहे हैं 170 अरब रुपया नहीं दिया। तो अगर पख्तूनख्वा में पैसे ना खर्च किए गए, और ये जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिसिंग के ऊपर ना उन्होंने ज्यादा इस वक्त इन्वेस्टमेंट ना की, नौकरियां ना वहां मिली, अगर खुदा ना खास्ता फिर से वहां दहशतगर्दी शुरू हो गई, मैं आज आपको ये कह रहा हूं कि हमारे मुल्क के आगे जो पहले ही हमारा मुल्क के माशी हालात कभी भी इतने बुरे नहीं थे, खुदा ना खास्ता अगर दहशतगर्दी शुरू होगी तो सबके हाथ से निकल जाएगा।